भारत के 16 वर्षीय चेस ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने दुनिया के नंबर वन चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसेन को हरा दिया है। एक ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर में उन्होंने मैग्नस कार्लसेन को 39 मूव्स में हराया है। मैग्नस के खिलाफ जीतकर उन्होंने उनको 4 बार लगातार जीतने से रोका है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने इससे पहले 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक में उनको जीत मिली है और एक में हार, जबकि एक में ड्रॉ हुआ है। रमेश बाबू तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं और उनका वर्ल्ड रैंक FIDE के हिसाब से 193 है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस खिलाड़ियों को 4 टाइटल्स देती है। पहला टाइटल है कैंडिडेट मास्टर, जो सबसे लोएस्ट टाइटल है। दूसरा टाइटल है मास्टर का। तीसरा टाइटल है इंटरनेशनल मास्टर, जो कि सेकेंड हाईएस्ट टाइटल है। चौथा और आखिरी टाइटल है ग्रैंड मास्टर। ये टाइटल सबसे हाईएस्ट टाइटल है। रमेश बाबू ने मास्टर का टाइटल 2013 में 7 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। उसके बाद 2016 में वो 10 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर हो गए थे और 2018 में वो 5th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हो गए। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।